जम्मू कश्मीर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए राज्य को विशेष दर्जे को खत्म करने को लेकर परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने कहा कि ये बहुत पहले होना चाहिए था और हर भारतवासी के लिए ये एक दिवाली का दिन है। 5 अगस्त हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जम्मू कश्मीर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने को लेकर परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज हर भारतवासी के लिए दिवाली का दिन है। 5 अगस्त हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा इतना बड़ा निर्णय जो लिया गया है उसकी वे सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को शहीद परिवारों की तरफ से अभिनंदन किया जा रहा है जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। इससे जम्मू कश्मीर का विकास होगा और बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा की दृष्टि से भी काम होंगे। कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित बनाए जाने पर जीएल बत्रा ने कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है तथा जो लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं वे अपने राजनीतिक हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं। राष्ट्र हित में इसका विरोध करना बिल्कुल गलत है। मैं ये समझता हूँ कि ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा हुआ ये। आज मैं समझता हूँ कि हर भारतवासी के लिए ये एक दिवाली का दिन है और ये आज का दिन जो है ये एक जैसे हमारी 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है और आज का ये दिन 5 अगस्त ये भी एक हमारा हमारे इतिहास में दर्ज होगा। ये एक ऐतिहासिक दिन है। ये इतना बड़ा फैसला हमारी भारत सरकार ने जो लिया है उसके लिए जितनी सराहना की जाए मैं समझता हूँ कम है और मैं व्यक्तिगत रूप से अभिनंदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का कि जिन्होंने इतना साहसिक ये फैसला लिया है और मैं शहीद परिवारों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही 370 हटाने से जो हमारा एक विकास का हमारी भारत सरकार ने एक जो संकल्प ले रखा है हर क्षेत्र में हर भारतवासी का विकास जो है करना है तो इससे एक तो विकास को एक दिशा मिलेगी, शक्ति प्राप्त होगी और साथ ही इससे जो है हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, चूंकि कश्मीर हमारा एक बॉर्डर प्रांत है तो इसकी जो हमारी जो सुरक्षा का जो मामला है वो इससे हम भारतीय सुरक्षा बढ़ेगी और कश्मीरी जो है वो एक नेशनल स्ट्रीम में आएंगे। वहीं कारगिल शहीद कैप्टन सौरव कालिया के पिता एनके कालिया ने कहा कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है जिसका हर हिंदुस्तानी को 70 साल से इंतजार था। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। सरकार ने इस फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होगी। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों को केवल विरोध करना आता है। जो लोग कश्मीर को लेकर अपनी राजनीति और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं वे बंद हो जाएंगी और भारत सरकार को जो लूट रहे थे अब उनकी आमदनी भी बंद होगी, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं जो कि नई बात नहीं है। हमारे सबके लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए ये आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जिसका कि हर हिंदुस्तानी को पिछले 70 साल से इंतजार था। ये इससे बड़ी खुशी की खबर और क्या हो सकती है। इस सरकार के इस कदम से कम JNK में शांति बहाल होगी और आम आदमी को वो जो भारत देश के साथ जुड़ा हुआ है उसका सुकून मिलेगा, उसको काम मिलेगा और वे रात को आराम से सो पाएगा। और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है, जो भी सरकार ने उचित समझा उन्होंने ऐसा कदम लिया है। तो जो भी कदम लिया है वो हर महीने में
राह नहीं है, तो इसके ऊपर तो पूरा अमल होना चाहिए।